ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने चिटफंड और धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे एक पिता पुत्र को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। दोनों आरोपियों पर शहर के 3 अलग अलग स्थानों में 9,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर इनके द्वारा ठगे गए लोगों के बारे में जानकारी निकाल रही है। पुलिस का प्रयास है कि जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है उन्हें इनकी रकम वापस दिलाई जा सके। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि थाटीपुर माधवगंज और बहोड़ापुर थाने में धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे एक शातिर इनामी के मुरैना के उत्तमपुरा में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। और जब उसके दूसरे साथी के बारे में जानकारी ली गई तो उसने बताया कि दूसरा साथी उसका पिता ही है, जिस पर मुरार के खुरेरी गांव से आरोपी के पिता को भी दबोच लिया गया। आरोपी के पिता पर 3,000 और पुत्र पर 6,000 रुपए का इनाम था। थाड़ीपुर में और बहोड़ापुर में और माधोगंज में 3 थाना क्षेत्र से एक चिटफंड के आरोपी फरार थे, जिनके द्वारा पब्लिक के साथ एट लार्ज लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। और तभी से ये लोग फरार थे, लगभग 4 साल से ये लोग 3 से 4 साल से लोग फरार थे। आरोपी पिता पुत्र, इसकी सूचना क्राइम ब्रांच लगातार इस पर काम कर रही थी। इनकी सूचना मिली कि मुरैना में कहीं उत्तमपुरा एरिया में कहीं रहते हैं। इस मुकुल की बताई सूचना को वेरीफाई करने के लिए टीम भेजी गई और उनके द्वारा आरोपी को घेराबंदी करके हिरासत में लिया गया। और उसकी निशानदेही पर उसने बताया कि मेरे पिता थाना मुरार के अंतर्गत ग्राम खुरेरी में रहते हैं, तो उसकी निशानदेही पर उसके पिता को भी हिरासत में लिया गया और यहाँ थाटीपुर में उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इन दोनों ही पिता पुत्र पर, पिता पर 3,000 का इनाम घोषित था, और जबकि जो पुत्र पर 3,000 का 2 थानों से इनाम घोषित था। कुल मिलाकर 9,000 के इनामी हैं पिता पुत्र। दोनों को पकड़ा गया है, इनके द्वारा पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की गई है। अब इनमें गिरफ्तार किया जाकर उनको कोर्ट पेश किया जा रहा है। इसमें और भी जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी की है वो भी लोग सामने आएंगे, तो उनके आवेदन के आधार पर भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कुल कितनी धोखाधड़ी? अभी जैसा कि मैंने बताया, लाखों में इनकी धोखाधड़ी की है। अभी चूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट लिए जा रहे हैं और भी फरियादी संपर्क कर रहे हैं, और जो मूल फरियादी हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, तो उससे एक्चुअल अमाउंट सामने आएगा।